मेरी नएम एज़ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान खान आई एम ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट हेयर एट नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स बायोटेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को जी एस आर के बारे में बताना चाहता हूँ जी एस आर लॉन्ग ग्रेन राइस है और दिस इज़ नॉन बासमती राइस इस तरह है कि जी एस आर का इट्सटैंड फॉर ग्रीन सुपर राइस ग्रीन मीन दैट इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली दैट इट ग्रोज वेल with less inputs and super mean it can tolerate drought flooding insect pest and all the adverse climatic condition actually green super rice is a mixture of 250 varieties hybrids which have been tailored or made in such a way that they can grow they have they are high yielding they can grow well in all that adverse climate दे नीड लेस फर्टिलाइज़र दे नीड लेस इंसेक्टीसाइड बिकॉज दे आउटकम्पीट द वीट्स इन एस्टेबलिशमेंट अच्छा इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि ये बेसिकली इरी और चाइनीज अकैडमी ऑफ साइंस के अश्तराक से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था टू थाउजेंड एट में जो कि बिल एंड मलिंडा गेट फाउंडेशन ने इसको फंड किया था इसका पर्पज़ था कि जो रिसोर्स पुअर हैं अफ्रीका और एशिया में उनको ऐसा राइस डेवलप कर दिया जाए जो कि हर हाल में हाई जील्डिंग यील्ड को रिटेन करे सस्टेन करे और उसमें बड़ी लेस इनपुट्स हो और हर हालत में इन्वामेंट फ्रेंडली रहे तो इसमें अब मैं आपको बताना चाहता था कि तेरह कंट्रीज़ ने एशिया और अफ्रीका के जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और वो जी ग्रो कर रहे हैं और उनके एक से ज़्यादा वाइटीज़ हाइब्रिड्स, न्यूअर्ड्स या आ चुकी हैं लेकिन पाकिस्तान इस क्लब से अभी भी आउट है दूर है तो अभी ये हुआ है कि हाल ही में प्रोफेसर ली जो इसका था आ, आ, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर उससे डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब जो कि एनएआरसी के डीजी हैं उन्होंने उससे बहुत सा जर्म प्लाजम या जीएसआर की एंट्रीज़ हमने ली हैं ये पाँच सौ बानवे एंट्रीज़ हमने यहाँ ग्रो की हैं ये मैं बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मेगा प्रोजेक्ट जो कि वज़ी अजम साहब ने एग्रीकल्चर एमरजेंसी में दी है इस मेगा प्रोजेक्ट का मतलब है टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन रैपिड टाइम तो उसमें ये है कि हमने थोड़े ही तीन चार पाँच साल के अंदर पंद्रह से बीस मन राइस की वो बढ़ानी है यील्ड तो इसमें हमने यहाँ राइस ग्रो कर रहे हैं पाँच सौ बानवे एंट्रीज इसमें लगाई हैं तो इसमें हम सबसे पहले सीड को प्रोपागेट करेंगे उसके बाद हम इसकी इवेलुएशन करेंगे और फिर जीनोमिक सिलेक्शन करेंगे हम इसमें से वो करेक्टर जिस तरह बैक्टीरियल ब्लाइट रेजिस्टेंस फ्लडिंग टॉलरेंस दूसरी जो बाकी इसकी होती है सिलीनिटी टॉलरेंस वो और इंसेक्टैक्स रेजिस्टेंस उसकी हम सिलेक्शन करेंगे उनकी बेसिस ऑफ जीनोमिक्स इन लाइंस की इन लाइंस को फिर फर्दर अगले साल हम पाकिस्तान की डिफरेंट इकोलॉजीज में ग्रो करेंगे और इनको मज़ीद प्रोपोगेट करेंगे और बाद में इसको न्यू में भेजेंगे वैराइटीज़ डेवलपमेंट के लिए इसके अलावा जो हमारा अपना इंडिजिनस जो राइस है बासमती या नॉन बासमती हम इस राइस की उससे क्रॉसिंग करेंगे ताकि हम अपना बना सकें आ, अपनी यहाँ जन ये वाली जो करैक्टर थे जो रेजिस्टेंस और जो अच्छे करैक्टर हैं इस जी एस आर में हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू ब्रीडिंग और उनकी क्रॉसिंग से उनको फिर मजीद इसी तरह उसकी हम प्रोपगेशन करेंगे सिलेक्शन करेंगे और एवेलेशन करेंगे सिलेक्शन करेंगे और पूरे उसको फिर वाइटी डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे इससे ये हमारे लिए एक उम्मीद है कि फ्यूचर में जो हमारी झील स्टैगनेट हो चुकी थी राइस की चार टन के गिर घूम रही थी अब इस राइस से ये आठ टन तक और जो इसका हाइब्रिड है वो इवन बारह टन तक भी जाता है तो ये यील्ड इंक्रीज करने का हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आई है इसके दो फायदे हो गए एक तो हमें बहुत जल्द जो हमारी फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है उससे हम निकल जाएंगे उसके अलावा जो एक्सपोर्ट uh, हैं वो बढ़ेंगी स्पेशली जो लॉन्ग ग्रेन है वो इस वक्त दुनिया में uh, बहुत आगे जा रहा है इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट लॉन्ग ग्रेन के पास चली गई है तो हम इसको ग्रो ही नहीं कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि हम इंटरनेशनल मार्केट लॉन्ग ग्रेन की इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर कर सकेंगे इससे तो ये हमारे लिए जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर बेस्ड इकानमी है उसका जो गोल्स हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू एग्रीकल्चर उसको पूरा करने में ये बहुत फ़ायदेमंद है